Okay, good morning. Myself Chirag Sukhani and I'm going to teach you financial management subject. And we will continue our chapter, and in that there is an 14 number sum. Now same sum, it is of 13 number sum. Okay, khali practice ke liye. From the following information supplied to you, ascertain whether the firm DP ratio is optimal according to the Walter model. Again, aapko kya determine karna hai, whether the firm DP ratio is optimal or not. Then the firm was started a year ago with an equity capital of 20 lakhs. 20 lakhs kaise mila? Number of share outstanding 20,000 of rupees 100 each. The firm is expected to maintain its current rate of earning on investment. Earning of the firm is given 2 lakh and dividend paid is what? 1,50,000 and the P/E ratio is what? 12.5%. Same samay. So quickly hum log kar rahe hain. Now, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को क्या चाहिए, के ई एन आर चाहिए, ये मेन है. सो हम लोग पहले के ई फाइंड आउट करें, बिकॉज यहाँ पे पी रेशियो दिया है. सो वन अपॉन पी रेशियो, तो के ई मिल जाएगा आपको. सो वन अपॉन पी रेशियो कितना दिया है, 12.5% यानी 0.125 दिया है ना. सो वन अपॉन 0.125 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 8% और 0.08. क्लियर. नेक्स्ट स्टेप आर. आर के लिए फॉर्मूला क्या है, एस्टिमेटेड अर्निंग डिवाइडेड बाय नेट अर्निंग और टोटल अर्निंग इनटू 100. कितना अर्न किया हमने, 2 लाख. नेट अर्निंग कितना था, असेट्स इक्विटी कैपिटल 20 लाख इंटू 100. सो आपका आंसर क्या आएगा, सेम zero point one into 100 is what 10%. क्लियर. सो के ई मिल गया, आर मिल गया. मैंने आपको दूसरा भी फॉर्मूला बताया था, आर के लिए क्या होता है, 20 लाख के ऊपर, 20 लाख के ऊपर फॉर्म 2 लाख अर्न करिए तो 100 पे हाउ मच. सो 100 इंटू 2 लाख डिवाइडेड बाय 20 लाख, आंसर सेम आएगा आपका 10%. के ही मिल गया, आर मिल गया. अभी आपको ई पी एस चाहिए. सो ई पी एस का फॉर्मूला आपको पता है, दैट इज टोटल अर्निंग डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर. सो अर्निंग कितना दिया है, 2 लाख. नंबर ऑफ शेयर भी आपको दे दिया है सम्स में डायरेक्टली 20,000. ओके, सो 40 कैंसल. सो ई पी एस दैट इज अर्निंग पर शेयर ऑफ द कंपनी इज व्हाट, 10 रुपीज़ आएगा. क्लियर. कैसे करना वो तो पता है ना, ये 40 कैंसिल हो जाएगा, 210 बताना चाहिए. नेक्स्ट डिविडेंड पर शेयर डी पी एस, टोटल डिविडेंड कितना दिया है सम्स में, 1,50,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर 20,000. सो 7.5 रुपीज़ आएगा डिविडेंड पर शेयर. बेस्ड ऑन दिस पे आउट कैलकुलेट कर सकते हैं, 10 के ऊपर 7.5 डिविडेंड दिया, 100 के ऊपर हाउ मच ना. सो 7.5 × 100 डिवाइडेड बाय 10. क्लियर. सो कंपनी का पे आउट रेशियो कितना है, 75%. पे आउट रेशियो कितना है, 75%. ओके, बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन हम लोग प्राइस भी कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर बाद में हम लोग कंक्लूजन लिखते हैं. सो प्राइस ऑफ द शेयर, प्राइस बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन. सो डी प्लस आर अपॉन के इंटू ब्रैकेट ई माइनस डी अपॉन के. सो डी हम लोग ने फाइंड आउट किया 7.5 प्लस आर 0.10 है ना, एंड के 0.08, ई 10 माइनस डी 7.5 डिवाइडेड बाई के 0.08. सो 7.5 प्लस
0.10 divided by 0.08, 1.25 into bracket 2.5 divided by 0.08. So 7.5 का 7.5 plus 3.125 divided by 0.08. Okay, so 10.625 divided by 0.08. सो आपका आंसर आएगा ₹132.81. क्लियर? बट ये आपको नहीं पूछा, बट हम लोग ने कैलकुलेट कर लिया, खाली कंक्लूजन पूछा है. सो हियर आपका कंक्लूजन क्या है कि फॉर्म डीपी रेशियो इज ऑप्टिमल और नॉट ना. सो हियर आर इज ग्रेटर देन के ई है, दैट इज 10% इज ग्रेटर देन 8%. सो इट इज अ केस ऑफ, सो इट इज अ केस ऑफ which form? So it is a case of growing form. So it is a case of growing form, and thus optimum payout ratio must be 0%. Okay, but हियर पे आउट रेशियो इज कितना 75%. दस द फॉर्म डीपी रेशियो इज नॉट ऑप्टिमल. आ रहा समझ में ना? ये फॉर्म का डीपी रेशियो ऑप्टिमल नहीं है. अगेन प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 0% पे कैलकुलेट करेंगे. सो प्राइस एट द रेट ऑफ 0%. सो डायरेक्टली अभी हम लोग फॉर्मूला नहीं डाल रहे हैं. सो डी इज व्हाट, 0 प्लस आर 0.10 के 0.08 ई 10 माइनस 0 डिवाइडेड बाय के 0.08. 0 का 0 प्लस डिवाइड करेंगे तो 1.25 10 डिवाइडेड बाय 0.08. ओके, सो 0 का 0 प्लस 1.25 इंटू 2, सो 12.5 डिवाइडेड बाय 0.08. सो आंसर क्या आएगा, 156.25 रुपीज़. अभी आप ही देख लो 75% पे कितना आंसर 132.8, बट 0% पे आंसर 156.25. सो द फॉर्म डीपी रेशियो इज नॉट ऑप्टिमल बिकॉज इट इज अ केस ऑफ ग्रोइंग फॉर्म. क्लियर? सो इज ओवर. नाउ बी, सेम क्वेश्चन है बी में कि व्हाट शुड बी द पी रेशियो एट विच द डीपी रेशियो विल हैव नो इफेक्ट ऑन वैल्यू ऑफ दिस शेयर. ओके, सो आपका सेम कंक्लूजन, व्हेन आर इक्वल टू के होना चाहिए, व्हेन आर इक्वल टू के, सो इट इज अ केस ऑफ, सो इट इज अ केस ऑफ नॉर्मल फॉर्म. So it is a case of normal form, and any payout ratio will have no effect on value of share. होता है ना कि कोई भी नॉर्मल फॉर्म में कोई भी पे आउट रेशियो विल हैव नो इफेक्ट ऑन दी वैल्यू ऑफ दी शेयर. ओके, सो हियर आर कितना दिया है सम्स में, 10%. दस के ई मस्ट बी कितना होना चाहिए, के ई मस्ट बी 10%. नाउ के ई मस्ट बी 10%, तो उसके बेसिस पे हम लोग आराम से पी फाइंड आउट कर सकते हैं. सॉरी, के ई का फॉर्मूला क्या है, के इज व्हाट, 1/p पी रेशियो. देयरफॉर पी ई रेशियो इज इक्वल टू 1/ के ई हो जाएगा. सो के ई कितना होना चाहिए, 0.10% ना. ओके, सो आपका पी रेशियो कितना आएगा, 10%. दस आपका फाइनल कंक्लूजन, दस एट 10% price earning ratio the dividend
payout ratio will have no effect on value of share. Clear? तो सी क्या पूछा, योर डिसीजन इज चेंज इफ द पी रेशियो इज डिफरेंट फ्रॉम दैट, पी रेशियो इज 8% इंस्टेड ऑफ 12.5%. ओके, सो पी रेशियो कितना होना चाहिए, पी रेशियो इज 8 इंस्टेड ऑफ 12.5. अभी आपका क्वेश्चन पूछा, पी रेशियो 8% इंस्टेड ऑफ 12.5%. तो चेंज होगा ऐसा. ओके, सो अगर ये पी रेशियो चेंज होगा तो बट वेस के ही चेंज हो जाएगा. सो के इज व्हाट, 1/p रेशियो. सो पी रेशियो 8% इंस्टेड ऑफ 12, सो 1/0.08. सो आपका आंसर क्या आएगा, 12.5% और 0.125 बन जाएगा. सो के क्या बन जाएगा भाई, 0.125. ओके, सो हियर आर कितना है जो हम लोग ने फाइंड आउट किया, 10%. सो आर 10%. अभी के क्या बन गया, दिस 12.5%. सो विच फॉर्म, शॉर्ट में वो कौन सी फॉर्म बन जाएगी, डिक्लाइनिंग फॉर्म. बट आगे क्या, कौन सी फॉर्म थी, ग्रोइंग फॉर्म. ओके, सो आपका कंक्लूजन क्या होगा, यस द डिसीजन विल चेंज इफ पीई रेशियो इज 8% इंस्टेड ऑफ 12.5%. ओके, दिस इंप्लाइज दैट के विल गो अप, बढ़ गया ना, के विल गो अप एंड दस इट बिकम्स डिक्लाइनिंग फॉर्म. Thus it becomes a declining form. And optimum payout ratio will be 100%. Okay, so आप calculate 100%. Clear all of you? Okay, so आप घर पे calculate करना प्राइस एट द रेट ऑफ 100%. तो आपका आंसर आएगा ₹80. क्लियर, तो ये भी ट्राई कर लेना. क्लियर, नाउ 15 नंबर से आप होम घर पे करना होमवर्क. समझा रहा हूँ मैं, XYZ कंपनी प्रोवाइड फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, EPS is given, DPS is given, P ratio दिया है, P ratio से क्या मिल जाएगा आपको, KE मिल जाएगा ना, RB दे दिया. सो फर्स्ट क्या पूछा, डिटरमाइन वेदर द कंपनी डिविडेंड पॉलिसी इज ऑप्टिमल और नॉट. ओके, सो बाई कंपेयरिंग R एंड KE आपको डिटरमाइन करना वेदर इट इज ग्रोइंग फॉर्म, डिक्लाइनिंग फॉर्म या नॉर्मल फॉर्म. ओके, फिर बाद में आपको आंसर देना है कि कंपनी का वेदर द कंपनी डिविडेंड पॉलिसी इज ऑप्टिमल और नॉट. क्लियर, बी व्हाट शुड बी द प्राइस ऑफ द शेयर, जो भी अभी आंसर आएगा मुझे नहीं पता, आप पहले कैलकुलेट करना फिर बाद में हम लोग करेंगे. एंड व्हाट शुड बी द डिविडेंड पॉलिसी एट डिविडेंड पॉलिसी एट विच डिविडेंड पे आउट रेशियो विल हैव नो इफेक्ट ऑन द प्राइस ऑफ द शेयर. ओके, सो ये आपके लिए होमवर्क है. बाय, टेक केयर.